हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक फ़ोन है। ऐसे कोई और भी फ़ोन हो सकता है दोस्तों, ये तो रेडमी का फ़ोन है, आपका कोई और भी फ़ोन हो सकता है, कोई और भी मॉडल हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जानने वाले हैं इसका जो कैमरे में डस्ट आता है दोस्तों। काफ़ी बार दोस्तों मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर दोस्तों का मैसेज आया था कि हमने फोल्डर चेंज कराया था, स्क्रीन चेंज कराई थी, तो अब उसमें बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार उसमें डस्ट चले जा रही है, बार बार इसे साफ़ करवाना पड़ रहा है, बार बार इसमें डस्ट चले जा रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना है। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल बैंक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और साथ ही दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है दोस्तों, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैंने फ़ोन को डिसेंबल करके रखा हुआ है, तो ये देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको बैटरी निकालनी है दोस्तों, ये देख लीजिए इस तरीके से आपको बैटरी रिमूव कर देनी है, और उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो मेन काम है इसमें स्क्रीन निकालना है आपको दोस्तों। जो भी आपने स्क्रीन है या फिर जो भी आपके फ़ोन है उसकी स्क्रीन आपको निकाल देनी है, अगर आपको कैमरे के डस्ट का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो। इस तरीके से आपको निकाल देनी है स्क्रीन, और उसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, अगर आप बार बार इसे जो डस्ट है वो निकाल के थक गए हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा, इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है दोस्तों। काफ़ी बार क्या होता है जब हम फोल्डर लगाते हैं तो यहाँ पे जो है जो पेस्टिंग होती है दोस्तों वो लोग पेस्टिंग अच्छे से नहीं करते, और जो इसकी जाली होती है वो भी नहीं लगाते, तो जाली जो ग्रिल होती है दोस्तों जिसमें डस्ट रुकता है, ये देख लीजिए। अगर ये आपके फ़ोन में नहीं है तो ये मार्केट में मिल जाएगी आपको, मैंने इस पर भी एक पूरी वीडियो बनाई है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ये मार्केट में आपको काफ़ी चीप रेट में मिल जाएगी दोस्तों ये, तो आप इसे ले लीजिए, ख़रीद लीजिए, और उसके बाद आप इस तरीके से इसे सेट कर दीजिए दोस्तों। मार्केट में जो है ये जाली जो है छोटी बड़ी आती है दोस्तों, ये यूनिवर्सल होती है, तो यूनिवर्सल होती है ये, सेम साइज़ की आती है, लेकिन आपको अपने हिसाब से इसको कटर से छोटा बड़ा करना होगा, तो आप वो कर सकते हैं इसे, देख लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये कट कर दिया है मैंने दोस्तों। इससे क्या होता है कि जब आपके फ़ोन में डस्ट वगैरह जाती है तो ये रोक लेता है, तो ये कैमरा जस्ट इसके नीचे होता है तो ये कैमरे में नहीं जाने देता डस्ट वगैरह, तो ये वहाँ पे रोक लेता है डस्ट को या फिर धूल को। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आप इस तरीके से आप ये थोड़ा छोटा हो गया है, अपने हिसाब से दोस्तों आसानी से फिटिंग कर लीजिए आप, ये देख लीजिए दोस्तों। एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अगर आपको ये जाली ग्रिल नहीं मिल रही तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। तो ये देख लीजिए, हमने जाली कट कर ली अच्छे से, अब हम इसे फिट कर देंगे, आप फिट कैसे करेंगे ये भी देखते रहिए। तो ये दोस्तों जो फोल्डर चिपकाते हैं जिससे ग्लू है, तो आप इससे ही आप जाली लगा सकते हैं, आप फेविक्विक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है आपको फ़ोन में। तो ये देख लीजिए, हमारी जाली फिट हो गई है,
दोस्तों अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो ये करना आपको बहुत ज़रूरी है, वरना आप साफ करते करते थक जाओगे और डस्ट आते रहेगी और एक दिन क्या होगा, कैमरा ख़राब हो जाएगा उसका, तो फिर कैमरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको परमानेंट सोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए ये हमारी लग गई जाली, एकदम फिट हो गई है। तो अब हम इसमें फोल्डर लगा देंगे दोस्तों। ये देख लीजिए किस तरीके से अच्छे से दोस्तों एकदम बढ़िया से पेस्टिंग करनी है आपको। ये देख लीजिए ग्लू डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, एकदम बढ़िया से। ये देख लीजिए इस तरीके से आपको बढ़िया से पेस्टिंग कर देनी है, जहाँ छोड़ गया वहाँ आप दोबारा भी लगा सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों यहाँ ऊपर की साइड है ये, तो आप यहाँ बहुत अच्छे से डालिए। ये देख लीजिए इस तरीके से आप बहुत अच्छे से और बढ़िया से डालिए दोस्तों सफाई से एकदम ग्लू, ताकि जब आप इसके ऊपर फोल्डर चिपके तो इसमें जो डस्ट है वो कैमरे में ना जाए। मेन पार्ट इसका यही है, देख लीजिए। अगर कैमरे का 100% सोल्यूशन चाहिए तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों अगर ज़्यादा हो गया तो आप हल्का सा निकाल भी सकते हैं ग्लू को, देख लीजिए इस तरीके से। तो उसके बाद आपको फोल्डर लगा देना है और ध्यान देना है इसकी फिटिंग एकदम ओके आए। और ये देख लीजिए और फिर दोस्तों फोल्डर लगाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, कनेक्टर लगा देना है और बैटरी लगा देनी है। और उसको दोस्तों अच्छे से जब फोल्डर लगाएंगे तो आप टेपिंग करेंगे या फिर रबर लगाएंगे तो आप एकदम टाइट करके लगाएं, ताकि अच्छे से चिपक जाए फोल्डर और डस्ट वगैरह ना घुसे। तो ये देख लीजिए अब मैं आपको इसे ऑन करके भी दिखाएंगे हम। तो जैसे आपने डिसेंबल किया था फ़ोन को, उसी तरीके से असेंबल कर देना है। और नट भी एकदम टाइट से लगाने हैं, उतना टाइट भी नहीं दोस्तों, लेकिन ठीक ठाक लगाने हैं नट, जिससे फ़ोन कसा रहे। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी फ़ोन में कैमरे का परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना है। और वीडियो से रिलेटेड दोस्तों कोई भी क्वेरी हो या फिर कहीं आपके समझ में ना आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। धन्यवाद।